हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साजी और अभिषेक की शादी को हुए सिर्फ कुछ ही दिन बीत गए थे, तभी सास मधुबाला को साजी के मायके की पड़ोसन से पता चलता है कि साजी बाज है। ये पता चलने पर मधुबाला घर में भयंकर तमाशा खड़ा करती है। अरे बाज, बेशरम, तूने और तेरे मायके वालों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तू बाज है? क्यों 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 बता? अरे हम तो बर्बाद हो गए रे। एक बाज बहू को घर लाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अभिषेक बेटा, बता रहे हैं। तभी ससुर ओम प्रकाश गुस्से से कहते हैं, और नहीं तो क्या, अरे अभी के अभी हमारे घर को छोड़कर चली जाओ तुम। अगर बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगी तो फिर क्या फायदा तुम्हारा? अभिषेक बेटा, तुम्हें वंश बढ़ाना है या नहीं? बस माँ पापा, बहुत कुछ बोल दिया आप दोनों ने, हद होती है। अरे आजकल और भी कितने सारे तरीके हैं जिससे हम संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। सांची बांझ है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पनौती और अपशगुनी है? अरे अभिषेक बेटा, तू बात क्यों नहीं समझ रहा है? अरे ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है इस गरीब फटीचर बेवकूफ लड़की ने तुझ पर? अरे बेटा, तेरे लिए मैं इससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी। हाँ माँ प्लीज बंद कीजिए आप अपनी बकवास, मैं सिर्फ सांची से ही प्यार करता हूँ। अभिषेक सांची का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। सांची कमरे में बहुत रोती है। अभिषेक मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैं क्या करती। I'm sorry, मैं तुम्हें कभी संतान प्राप्ति का सुख नहीं दे पाऊंगी, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं साची, प्लीज ऐसा मत कहो। माता पिता का सुख प्राप्त करने के लिए खुद की संतान ही हो ये जरूरी नहीं, हम एडॉप्शन कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। तुम प्लीज इस सब के लिए खुद को गुनहगार मत ठहराओ। सांची कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन के आठों पहर उनकी पूजा करती और बस हरे कृष्णा करते हुए दिन भर उन्हें याद करते हुए प्रार्थना करती रहती। कान्हा जी, मेरी कोख तो जीवन भर सुनी ही रहेगी, मैं कभी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे भी माँ बनना है। कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दीजिए ना जिससे माँ जी और पापा जी भी दादा दादी बन जाएं। मैं उन्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकती, उनके गुस्से के पीछे कितना दर्द छुपा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ। मेरे दामन में भी खुशियाँ भर दो कान्हा जी। सांची जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण भगवान को घी दूध और जल से अभिषेक करती है और उनके पालने को झूला देती है। वो उनकी परम भक्त होती है, दिन रात दीप जलाकर उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाती रहती और तरह तरह के कढ़ाई वाले कपड़े पहनाकर उन्हें सजाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। कान्हा जी, मैं जानती हूँ आप हर पल मेरे साथ ही हो, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हर मुश्किल से मुश्किल नामुमकिन काम को आप मुमकिन कर दोगे। सांची कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करती है। वहीं उसकी सास मधुबाला और ससुर ओम प्रकाश अभिषेक के लिए एक नई लड़की ढूंढ लेते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं। दीपिका बहुत सुंदर लड़की है, हमारे अभिषेक की और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। हाँ मधुबाला जी, लेकिन हमने अभिषेक के लिए लड़की तो ढूंढ ली, लेकिन ये सांची नाम के कांटे को रास्ते से कैसे हटाएंगे हम? ओम प्रकाश जी, आप उसकी फिक्र मत करिए, सांची को मैं कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए कहूंगी, वो भी काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में, जहां आज तक जो गया है ना लौट के नहीं आ पाया है, तो फिर सांची के लौटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। समझे कि नहीं मेरा प्लान? बढ़िया जी बढ़िया, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब बस दीपिका और अभिषेक की शादी हो जाए, फिर हम दोनों दादा दादी बन जाएंगे। सांची एक बार उस जंगल में चली जाएगी तो कभी लौट नहीं पाएगी। इतिहास गवाह है, जब जब कोई उस जंगल में गया है वो उसी में फंसकर मर गया है। सुना है इस जंगल में बहुत सारे भयंकर जंगली जानवर भी हैं।
मधुबाला सांची के पास जाती है और उसे कहती है कि ओम प्रकाश के लिए काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से जड़ी बूटी ला दें। और बेचारी भोली भाली सांची मधुबाला की बात मान लेती है और जंगल में चली जाती है। हे कान्हा जी, मैं तो थक गई, पिछले 5 घंटों से चल रही हूँ, जड़ी बूटियां भी ले ली हैं, लेकिन इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। कान्हा जी मदद कीजिए, अंधेरा होने से पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकलना होगा। एक तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, मैं किसी को फोन कॉल भी नहीं कर सकती और ना ही इंटरनेट मैप से जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता कर सकती हूँ। सांची उस भयानक जंगल में फंस जाती है और सूर्यास्त होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी रहता है। अभिषेक जब घर पर आता है तभी सांची को ना देख कर वो घबरा जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे सांची कहीं नहीं मिलती। अभिषेक आस पड़ोस में भी ढूंढते रह जाता है, लेकिन फिर से सांची को ढूंढने में असफल रह जाता है। माँ, पापा, आपने सांची को कहीं देखा है? वो मिल नहीं रही है, और तो और उसका फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। छोड़ो ना उसे, गई होगी कहीं घूमने, काम चोर कहीं की। हाँ, सास ससुर की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उस बांझ को। अच्छा सुन, ये देख, ये दीपिका है, तेरी और दीपिका की शादी कराने का फैसला लिया है ओम प्रकाश जी और मैंने, क्योंकि अब वो बांझ सांची तो कभी वापस लौट कर आएगी ही नहीं। गलती से मधुबाला अपने ही मुंह से सांची के बारे में अभिषेक को बता देती है। क्या सांची कभी वापस नहीं आएगी? मतलब कहीं आपने ही उसे? माँ पापा, सांची कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप दोनों से, आप दोनों को मेरी कसम प्लीज बता दीजिए सांची कहाँ है, वरना मैं भी आप दोनों के पास कभी नहीं लौट पाऊंगा, भूल जाना फिर मुझे भी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, मैं बताती हूँ ना सांची कहाँ है। वो मैंने और ओम प्रकाश जी ने उसे काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में भेजा है। और ये वही जंगल है जहाँ से कभी कोई वापस लौट कर नहीं आता, सिर्फ उसकी लाश ही मिलती है। माफ कर दे अभिषेक बेटा। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ पापा? सांची मेरी जान है, मुझे उसे बचाना ही होगा, लेकिन इतना तो मैं कह दे रहा हूँ कि आज के बाद आप दोनों मेरे कोई नहीं, मैं आप दोनों के पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लानत है आप दोनों पर माँ बाप होने के नाते। छी, इतनी घिनौनी हरकत करने से पहले आप दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। अभिषेक मधुबाला और ओम प्रकाश को छोड़कर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाता है और वो जोर जोर से सांची को पुकारते हुए आवाज लगाता है। सांची, सांची, कहाँ हो तुम? सांची, ये तो अभिषेक जी की आवाज है। कान्हा जी, थैंक यू, मुझे इस भूल भुलैया जैसे जंगल में अभिषेक मिल गया, अब मैं और वो हम दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। आवाजों की ध्वनि के अनुमान लगाते लगाते अभिषेक और सांची दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। सांची, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। हाँ अभिषेक। सांची और अभिषेक दोनों ही जब नदी के पास से गुजरते हैं तभी वो देखते हैं कि एक टोकरी नदी के पानी के बहाव के साथ बह रही है और उस टोकरी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। वो दोनों उस बच्चे को नदी से बाहर निकालते हैं और टोकरी में एक चिट्ठी होती है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं भी इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ, और मेरा बच्चा जिसे भी मिले मुझे माफ कर देना, मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, भगवान मेरे बच्चे को भला करे। बेचारी इसकी माँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। अभिषेक, तुम कुछ समझ नहीं सके। क्या सांची? ये बच्चा मुझे मिला है, हमें मिला है, इसे कान्हा जी ने ही हमारे लिए भेजा है, शायद ये सब उन्होंने लिखा था हमारे किस्मत में। हाँ सांची, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। आज से ये मेरा कान्हा बेटा और मैं इसकी यशोदा मैया, देवकी तो नहीं लेकिन मैं इसकी यशोदा मैया जरूर बनूंगी। और मैं इसका नंद बाबा। कान्हा, ओ मेरे कान्हा, देखो कैसे हंस रहा है।
अभिषेक और सांची दोनों ही उस बच्चे को अपना लेते हैं। तभी अभिषेक का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है और मगरमच्छ उस पर हमला करते हैं। अभिषेक! तभी कान्हा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से रोशनी उजागर होती है, जिससे अभिषेक के घाव ठीक हो जाते हैं और मगरमच्छ भी दूर भाग जाता है। ये दृश्य देख सांची और अभिषेक भौचक्का रह जाते हैं। तभी वहां पर असल के कृष्णा जी साक्षात प्रकट होते हैं और अपनी मधुर बांसुरी की धुन बजाते हुए कहते हैं, सांची, अभिषेक, ये बच्चा मेरा ही रूप है, मेरा ही वरदान है तुम दोनों के लिए, और इसके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं और इसीलिए तो ये खास मनुष्य है। धन्यवाद कृष्ण भगवान। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और इस तरह सांची को अपना कान्हा बेटा मिलता है और तीनों ही खुशी से एक साथ रहते हैं। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। पूरे चौक के घरों के बाहर रातों में अलाव जलना काफी मामूली सी बात हो गई थी। सभी शॉल, स्वेटर, मफलर और कान टोपियों को पहनकर गर्म कपड़ों में रहते। कविता जी के बेटे सागर की हाल में ही नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम होता है माया। माया रूप रंग और चाल चलन में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घरवाले देखते हैं बहू तो ठंड में भी हर एक घंटे बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम गटके जा रही है। आय हाय, आय हाय, आइसक्रीम, ये ठंड का मौसम और ये बर्फीली हवाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। तभी वहां ससुर ब्रजेश आते हैं। अरे माया बहू, यहाँ हम सबकी ठंड में कुल्फी जमी हुई है और तुम यहाँ पर ये अंग्रेजी कुल्फी यानी कि आइसक्रीम खा रही हो। अरे दांत सुन्न पड़ जाएंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़की की है। अरे माया बहू, तू क्या बौर आ गई है, है? इतनी ठंड में भी कोई ठंडी चीज खाया जाता है क्या? अरे ऐसे मौसम में बेहिसाब आइसक्रीम खाएगी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कल मुँह ही कही की सागर बिटवा, जरा समझा अपनी धर्म पत्नी को। हाँ माया, व्हाट इज दिस? सुबह से तुमने 5 आइसक्रीम के फैमिली पैक वाले डिब्बे खत्म कर दिए हैं, अभी तक तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे। सागर, माँ जी, पापा जी, भगवान ने मुझे आप सबसे अलग और हटके बनाया है, बोलो तो #unique, और इसीलिए आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा। आइसक्रीम, आई लव यू माय डियर, क्यूट आइसक्रीम। माया के ये बर्ताव को देखकर सागर, कविता और ब्रजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माया आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो दिन ब दिन हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही सबके सामने चटकर जाया करती थी। वो दिन भर पानी की तरह आइसक्रीम खाती है। रात में डिनर के समय जब सभी डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होते हैं तभी तीनों भी खाना खाते हैं, लेकिन माया तो तरह तरह की आइसक्रीम खाने लग जाती है। कितनी यम्मी है ये आइसक्रीम, बटरस्कॉच, बटरस्कॉच फ्लेवर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तुम्हें पता है सागर, बाजार में एक नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है जिसमें गुलाब जामुन भी मिक्स्ड है। कितना अमेजिंग कॉम्बो है ना, मैं तो उस आइसक्रीम को ना मतलब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अरे पागल, एकदम पगला गई है क्या करमजली? इतनी मात्रा में आइसक्रीम खाएगी तो पूरी आइसक्रीम फेफड़ों में जम जाएगी, बेवकूफ कहेगी। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाएगी, क्या तुम वही चाहती हो क्या? माया, अब तो हमारी बात मान लो, लोग ठंड के मौसम में अक्सर गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, पर तुम्हारे दांत पता नहीं कौन से लोखंड से बने हुए हैं, जो तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उल्टा मजा आता है। और आइसक्रीम की जगह अगर कोई हेल्दी आइटम होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आइसक्रीम, आइसक्रीम कितनी अनहेल्दी होती है तुम्हें पता नहीं है क्या माया? ओफो सागर, आइसक्रीम में दूध, अंडे, मक्खन होते हैं और मैं तो ज्यादातर फ्रूट्स वाली आइसक्रीम ही खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, चीकू और बहुत सारे फलों की आइसक्रीम, वो सब तो न्यूट्रिशियस ही होते हैं ना, उनमें क्या बुराई है, बोलो बोलो।
माया के इस अजीबोगरीब नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने की आदत से अब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कविता को लगता है कि ब्रजेश जी सुनिए, मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि माँ या बहू के अंदर किसी आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। अरे एक इंसान इतनी कप कप आती हुई ठंड में ऐसे बिना रुके आइसक्रीम है आइसक्रीम पे आइसक्रीम कैसे खा सकता है। देखिए हो ना हो यही माजरा है, हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। हाँ कविता, तुम एकदम सही कह रही हो। रुको, नटवरलाल की पहचान का एक भूत और चुड़ैलों को भगाने वाला तांत्रिक है, उससे फोन मिलाता हूँ अभी। ब्रिजेश उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्त नटवरलाल के पहचान के तांत्रिक को बुलाता है और माया को बांधकर उस पर झाड़ फूंक करते हुए कहता है, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, ए दुष्ट आइसक्रीम खाने वाली चुड़ैल, निकल जा मेरी मासूम सी बच्ची के शरीर से। इसे मार डालना चाहती है क्या आइसक्रीम खा खा कर? निकल जा इसके शरीर से बुरी चुड़ैल। अब मुझे छोड़िए माँ जी, पापा जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? मेरे अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश नहीं किया है, मुझे खुद ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, प्लीज मुझे छोड़िए। डरो मत माया बिटिया, आज तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, वरना यूं ही तुम्हारे शरीर में रहकर वो आइसक्रीम खाती रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। हाँ माया बहू, तू बस शांत रहे और तांत्रिक बाबा जो जो कह रहे हैं उसे सुन ठीक से। हाँ माँ जी, मैं कह रही हूँ ना कि मुझ में किसी चुड़ैल का वास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आप समझ क्यों नहीं रही है? बहरी या अकल से अंधी हो गई है क्या आप? तभी वहाँ पर सागर आता है और माया को यूँ देख कर घबरा जाता है। वो फौरन माया को रस्सी से छुड़ाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे अपने गले से लगाता है। माँ पापा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? माना कि माया आइसक्रीम के पीछे पागल है, लेकिन इस बात को भी आप लोगों ने अपने अंधविश्वास से जोड़ दिया, मतलब हद होती है। सागर उस तांत्रिक को भगा देता है। दिन ब दिन ठंड और भी ज्यादा होने लगती है, पर फिर भी माया आइसक्रीम खाने की अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आती है। इन सब से तंग आकर कविता, ब्रिजेश और सागर फ्रिज को ही बेचने का फैसला ले लेते हैं और जब माया बाजार से ढेर सारी आइसक्रीम लाती है तभी फ्रिज को गायब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या, फ्रिज कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यही पर थी फ्रिज। हमने फ्रिज बेच दिया क्योंकि तुम ऐसे तो हमारी बात मान नहीं रही, इसलिए अब जब आइसक्रीम की जड़ यानी कि फ्रिज नहीं रहेगा तब तो तुम अपने आप अपनी आइसक्रीम खाने की आदत से छुटकारा पा लोगी, देखना तुम। हाँ माया बहू, किसी भी चीज को खाने की या करने की एक हद होती है, हद से बढ़कर करोगी तो नतीजा बुरा होगा। ये सब देखकर और सुनकर माया का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। आप सबने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, पाप किया है आप सबने पाप। आप लोगों को क्या लगा फ्रिज को हटा देंगे तो ये रोनी सूरत बनाकर चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाएगी? तो कान खोल के सुन लीजिए आप तीनों, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और वो भी ज्यादा खाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर जाकर, लेकिन मैं तो खाऊंगी ही। और हाँ, मैं चाहे एक आइसक्रीम खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, ठंड में खाऊं, गर्मी में खाऊं, बरसात में खाऊं, घर में खाऊं, बाहर खाऊं, जितनी चाहे जहां खाऊं, आपको क्या? एटीट्यूड दिखाकर माया वहां से चली जाती है और अब वो बाहर जाकर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगती है। हेलो, मुझे दो बिग स्कूप्स बटरस्कॉच, तीन मैंगो फ्लेवर, दो चॉकलेट, दो वनीला और हाँ, 4 कप्स वो नई गुलाब जामुन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। हाँ, मैं टेबल नंबर 3 पर बैठी हूँ, ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए वरना तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर की कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो चुका है, मुझे फटाफट से ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो। अरे वाह वाह, ओके मैम, थैंक यू मैम, आप हमारे यहाँ आई, ठंड के मौसम में तो हमारा बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका है, लेकिन इस दुनिया में इतनी भयंकर ठंड में भी आइसक्रीम के फैंस होते हैं ये हमें आज पता चला। बैठिए, हम अभी आपका ऑर्डर सर्व करते हैं।
माया एक ही बार में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स को खा जाती है और तब जाकर उसे राहत मिलती है। एक तरफ जहां लोग ठंड से बचने के लिए चाय के स्टॉल्स पर जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो वहीं माया मैडम खुलेआम चौक में दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़कर खाते हुए जाती है। ये सब देखकर सभी आसपास वाले भौचक्का रह जाते हैं। एक दिन माया की तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। उसे गंभीर सर्दी जुखाम हो जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। आइसक्रीम को नॉनस्टॉप कंज्यूम करने के कारण इनकी बॉडी का फैट और शुगर बढ़ चुका है, और तो और इन्हें बहुत सर्दी जुखाम भी हुआ है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है, इन्हें लीजिए और प्लीज अब आइसक्रीम को खाना बंद कर दीजिए। हाँ डॉक्टर जी, मैं बोर आ गई थी, जो सबकी बात नहीं सुन रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाओगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे परिवार से कि मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और इस तरह उस दिन के बाद माया ने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई, और वो जब जब आइसक्रीम को देखती तब तब उसे अपने भयानक सर्दी जुखाम वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फूड आइटम का हद से ज्यादा सेवन करना गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।